वेलकम टू करियर इन्फो डॉट इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। रिक्रूटमेंट सरस्वती विद्या मंदिर की आई हुई है, परमानेंट पोस्ट है। सैलरी पैकेज जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, 7th पे कमीशन है, उसमें पूरा लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है सैलरी के बारे में भी डिटेल में। तो ये वैकेंसी जो है आपको वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, तो वैकेंसी वेबसाइट पर ही जाकर देखेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल से अभी भी कनेक्ट हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है और किस किस पोस्ट के लिए है। और अच्छी बात यही कि अगर आप किसी और भी स्टेट के हैं और आप सरस्वती विद्या मंदिर में इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं और आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। यहाँ मैं आ गई हूँ वेबसाइट पे। आप rsvm.in आप टाइप करेंगे तो इस तरीके से ओपन होकर आएगा। ये वैकेंसी आप देख सकते हैं, राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर अशोक नगर धनबाद से आई हुई है, जो कि झारखंड में है। और यहाँ पर इसका मेल आईडी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, कॉन्टैक्ट अस, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्योंकि जो मैंने नोटिफिकेशन चेक की है रिक्रूटमेंट जो आई हुई है टीचिंग्स की, तो उसमें इस तरीके से कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आप एक बार अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप ज़रूर पूछ लीजिए कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अब यहाँ पर जब आप आएंगे नीचे स्क्रॉल करके इस वेबसाइट पर, तो ये लेटेस्ट न्यूज़ का जो सेक्शन है इसमें आप देख रहे हैं, ये स्क्रॉल हो रही है न्यूज़ जो है, इसमें ही जो ऐसे स्क्रॉल होते हुए जो वैकेंसीज आएंगी उसमें ही यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये वाला जो नोटिफिकेशन है धनबाद वाला, उसको आप जस्ट अ मिनट, ये अटेंशन टीचर्स रिक्वायर्ड करके आ रही है, उस वैकेंसी को आप क्लिक करेंगे, देन आपको नोटिफिकेशन, ये यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं और यहाँ पर अटेंशन टीचर्स रिक्वायर्ड करके दिया हुआ है। यही जो है जॉब का पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वेबसाइट पे अपडेट की गई है। यहाँ पे PGT हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड BEd होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, CTET और TET क्लियर होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पर अभी तक कहीं भी पोस्ट ग्रेजुएशन में CTET और TET जो है मैंडेटरी नहीं है, बट मे भी हो सकता है इन्होंने TGT लेवल का जो है वो इसमें मांग लिया है। तो आप कॉल जब करेंगे तो ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर 5 ईयर एक्सपीरियंस है इन CBSE स्कूल के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। TGT मैथमेटिक्स के लिए रिक्रूटमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन विद ऑनर्स होना चाहिए। तो यहाँ TGT में सिर्फ मैथ्स के लिए रिक्रूटमेंट है और BEd होना चाहिए, CTET या TET क्लियर किया और साथ में 3-5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए CBSE स्कूल में। PRT के लिए संस्कृत में रिक्रूटमेंट है, जो कि BA संस्कृत किया हो आपने और BEd किया हो, साथ ही में CTET और TET आपने प्राइमरी लेवल वाला क्लियर किया हो, यानी पेपर 1 क्लियर किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा PRT स्पोर्ट्स के लिए है, BPED के लिए रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, PGT के लिए एक्सपीरियंस मांगा हुआ है जो कि ज़रूरी है, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन CBSE स्कूल का, बट यहाँ पर CTET और TET का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, हाँ एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग सकते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़रूरी होता है, बट CTET और TET के लिए नहीं है। बट फिर भी अगर आपने TGT लेवल के हैं और आपने CTET क्लियर किया है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अप्लाई इन योर ओन हैंड राइटिंग एफिक्सिंग अ PP साइज फोटो विद इन 17 जून विद ऑल टेस्टिमोनियल्स। अब यहाँ पर देखिए, सिर्फ यही एक लाइन लिखी हुई है इस नोटिफिकेशन में कि अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो मे भी हो सकता है मेल के थ्रू आपको अप्लाई करना हो या फिर एड्रेस दिया हुआ है पोस्ट के थ्रू अप्लाई करना है, तो ये दोनों जो है आप एक बार कॉल करके देख सकते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको खुद से ओन रिटन आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, जो जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं वो आपको लिखनी होगी, और किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो ज़रूर मेंशन करिए सब्जेक्ट में। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपनी देनी है। इसके अलावा जो भी आपके टेस्टिमोनियल्स हैं उनके जेरोक्स कॉपी आपको सेंड करनी है अटैच करके सारी, और वो 17 जून के पहले तक आपको वहाँ पर स्कूल में पहुँच जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक बार सैलरी पैकेज की भी बात कर लें। सैलरी जो है 7th पे कमीशन है विद डीए एंड PF होगी एंड ग्रेचुटी एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होगी, पर ये जो सैलरी है वो आपके आफ्टर प्रोबेशन पीरियड, जो प्रोबेशन पीरियड आपका होगा मे बी 6 मंथ का हो या फिर 1 ईयर का हो,
वो कंप्लीट होने के बाद आपको ये सारी चीज़ें फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरी अपडेट थी रिक्रूटमेंट की। मैंने आपको वेबसाइट भी बता दी है, आप इसी वेबसाइट पर जब जाएंगे तो वैकेंसी आपको मिल जाएगी। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।